हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम रिचर्ड स्टील के पॉपुलर एसे द स्पेक्टेटर क्लब को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका दूसरा नाम था ऑफ द क्लब। दिस एसे वाज द सेकंड एसे इन द सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज इन द स्पेक्टेटर, और इस एसे से आने वाले पहले एसे का नाम था द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। एसे पर आने से पहले आइए इसके एसेइस्ट यानी कि रिचर्ड स्टील के बारे में जान लेते हैं। रिचर्ड स्टील वॉज बॉर्न ऑन 12 मार्च 1672 इन डबलिन आयरलैंड। स्टील ने अपने एसेस को जिस पेन नेम यानी कि स्यूडोनिम में लिखा था वो था इसाक बिकरस्टाफ। हिज लिटरेरी करियर स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द क्रिश्चियन हीरो। ये 1701 में पब्लिश होने वाला एक मॉरलिस्टिक ट्रैक्ट था दोस्तों, और इसके पब्लिकेशन ने किंग विलियम थर्ड के टेंशन और फेवर को भी जीता था। After that, Steele wrote several comedies such as The Funeral 1702, The Lying Lovers 1703 and The Tender Husband 1705. लेकिन इनमें से कोई भी वर्क उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था दोस्तों। रिचर्ड स्टील को फेम तब मिली दोस्तों जब उन्होंने अपने एक पीरियोडिकल द टैटलर को 1709 में पब्लिश किया। पीरियोडिकल एक प्रकार का जर्नल या मैगजीन होती है दोस्तों, जो कि निश्चित पीरियड के बाद पब्लिश होती है। ऐसा ही पीरियोडिकल था द टैटलर, और ये सप्ताह के 3 दिन अर्थात ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को पब्लिश होता था। 1709 में द टैटलर को शुरू करने के 2 साल बाद स्टील ज्वाइंड हैंड्स विद हिज फ्रेंड जोसेफ एडिसन एंड फॉर्म्ड द स्पेक्टेटर। ये एक डेली पब्लिकेशन था दोस्तों, जिसकी 555 कॉपीज पब्लिश हुई थी, और उस समय विग और टोरी नाम की 2 पॉलिटिकल पार्टीज इंग्लैंड में हुआ करती थी, और स्टील विग पार्टी के सपोर्टर रहे थे। स्टील्स मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडी वॉज द कॉन्सियस लवर्स। इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1722। स्टील डाइड ऑन September 1, 1729 व्हेन ही वॉज 57 years old। एसेस्ट के बारे में जान लेने के बाद लेट्स मूव ऑन टू आर टूडेज एसे द स्पेक्टेटर क्लब, ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द क्लब। द स्पेक्टेटर क्लब नाम का एसे एक एपिग्राफ से शुरू होता है दोस्तों, जिसको जुवेनल्स सटायर से लिया गया है, एंड इट मींस 6 मेंबर्स एक कंसेंटेड वॉइस के साथ कलेक्ट हो जाते हैं। द स्पेक्टेटर क्लब इन 6 मेंबर्स से मिलकर बना है दोस्तों, और वास्तव में ये जो पूरा स्पेक्टेटर क्लब है ये स्टील के माइंड की क्रिएशन थी दोस्तों। एसे के एपिग्राफ में आने वाला सेंटेंस 6 more at least ज्वाइन देयर कंसेंटिंग वॉइस, ये वो सेंटेंस है दोस्तों जो हमारे पूरे एसे के लिए एक टोन सेट करता है। इस एसे में राइटर हमें द स्पेक्टेटर क्लब के 6 मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है दोस्तों, एंड दीज 6 मेंबर्स विद देयर करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट एसे। चलिए अब उन 6 मेंबर्स की बात कर लेते हैं हु फॉर्म द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, एंड हियर कम्स द लिस्ट ऑफ दोज 6 मेंबर्स। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज द गुड नेचर्ड सर रोजर डी कवलरी। द सेकेंड वन इज द स्टूडेंट ऑफ लॉ हु इज अ श्रूट क्रिटिक ऑफ ड्रामा। द थर्ड वन इन दिस लिस्ट इज अ सक्सेसफुल मर्चेंट हुज नेम इज
सर एंड्रू फ्रीपॉट, एंड फोर्थ वन इज द करेजियस कैप्टन सेंट्री हु इज द नेक्स्ट एयर टू सर रोजर. फिफ्थ मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब इज विल हनीकॉम, जो कि डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ की ओर है. उनकी बहुत उम्र हो चुकी है लेकिन अपने कपड़े पहनने और बोलने के तरीके से वो आज भी जवान ही लगते हैं. एंड द लास्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज द क्लर्जी मैन, जो कि थोड़े वीक है लेकिन डिवाइन मामलों में उनकी बहुत अच्छी नॉलेज है. नाउ वील डिस्कस ईच ऑफ दीज मेंबर्स इन डिटेल. द स्पेक्टेटर क्लब के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम है सर रोजर डी कवरले. ही इज अ जेंटलमैन ऑफ वर्सेस्टरशायर. वो एक एंशियंट बैरोनेट फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, इसीलिए उनके नाम से पहले सर लगा हुआ है. उनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा ने वो प्रसिद्ध कंट्री डांस इन्वेंट किया था दोस्तों, जो उन्हीं के नाम से कवरले डांस के रूप में लोकप्रिय हुआ. जो भी लोग सर रोजर को जानते हैं उनके एसेंट्रिक बिहेवियर से भी अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन सर रोजर की एसेंट्रिसिटीज यानी कि सनकीपना उनके गुड इंटेंशंस का रिजल्ट है दोस्तों. ही थिंक्स that the world is in the wrong and it is his responsibility to make the world a better place to live in. Unka eccentric hona logo ke unke prati prem ko ghatata nahi balki aur bada deta hai. Sir Roger ek lifelong bachelor hai dosto, aur aisa kaha jata hai ki he was crossed in love by a perverse ब्यूटिफुल विडो ऑफ द नेक्स्ट कंट्री. पास के गांव की उस विधवा स्त्री द्वारा लव प्रपोजल ठुकरा दिए जाने के बाद सर रोजर डिसअपॉइंट हो गए थे और थोड़े सनकी भी, और उस डिसअपॉइंटमेंट से उभरने में उन्हें पूरे 1.5 साल का समय लगा था. इस विधवा से अलग होते समय जिस कट और स्टाइल के कोट और डबलेट सर रोजर ने पहने थे, आज भी वो उसी टाइप के कपड़े पहनते हैं. और बताते हैं जब से उन्होंने ऐसे कपड़े पहनना शुरू किया है तब से लेके आज तक 12 बार ये फैशन में इन और आउट हो चुके हैं. विडो से प्रेम में डिसअपॉइंटमेंट पाने से पहले सर रोजर एक फाइन जेंटलमैन थे दोस्तों, और लॉर्ड रोचेस्टर और सर जॉर्ज एथरेज जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ वो सफर किया करते थे. जब पहली बार सर रोजर टाउन आए थे तो एक पब्लिक हाउस में बुली टाइप आदमी डाउसन ने उन्हें छोकरा कहकर बुलाया था, और इस पर सर रोजर ने नाराज होकर उसे पब्लिकली लात भी मार दी थी. अब तो सर रोजर 56 इयर्स के हो चुके हैं और उन्हें सभी के द्वारा सम्मान तो दिया ही जाता है, सम्मान से भी ज्यादा ही इज लव्ड बाय एवरीवन. अब उनके दो अच्छे अच्छे मकान एक गांव वर्सेस्टरशायर में है तो दूसरा नगर सोहो स्क्वायर में. सर रोजर ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड यानी कि फिलंथ्रोपिस्ट हैं दोस्तों. उनके बारे में स्टील लिखते हैं, हिज टेनेंट्स ग्रो रिच, हिज सर्वेंट्स लुक सेटिस्फाइड, ऑल यंग विमेन प्रोफेस लव टू हिम एंड द यंग मैन आर ग्लैड ऑफ हिज कंपनी. स्टील सर रोजर के बारे में ये बताने से भी नहीं चूकते हैं दोस्तों कि सर रोजर कोरम के जस्टिस हैं, और 3 महीने पहले जब उन्होंने गेम एक्ट के पैसेज को एक्सप्लेन किया था तो उन्हें यूनिवर्सल अप्लॉज प्राप्त हुई थी और सभी ने उनकी खूब तारीफ की थी. एस्टीम और अथॉरिटी के मामले में स्पेक्टेटर क्लब के जो दूसरे मेंबर हैं
वो भी एक बैचलर ही है दोस्तों. ही इज द स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड इज अ मेंबर ऑफ द इनर टेंपल. लॉयर प्रोफेशन में आना ये उनकी खुद की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों, ये तो उनके फादर की जिद है जो वो यहां रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. पापा ये जानने के लिए कि वो लॉ की स्टडी अच्छे से कर रहा है या नहीं, बीच बीच में लॉ से जुड़े हुए मैरिज आर्टिकल्स, लीसेस और टेन्योर्स पर आधारित क्वेश्चन पेपर्स भेजते हैं, जिन्हें कि हमारे स्पेक्टेटर का सेकंड मेंबर खुद से नहीं करता, बल्कि एक अटॉर्नी की सहायता से फटाफट निपटाकर तुरंत भेज देता है. द स्टूडेंट ऑफ लॉ को लिटिलटन और कोक जैसे फेमस लॉयर्स से ज्यादा एरिस्टोटल और लॉन्जाइनस जैसे इंग्लिश क्रिटिक्स समझ आते हैं. जब भी थिएटर में कोई नाटक परफॉर्म होने वाला होता है, तो वो सज धस कर जाते हैं और आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं. ही इज अ माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड मैनर्स और उनके सामने एक्टर्स और ज्यादा सिंसियरली अपने रोल को परफॉर्म किया करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी छोटी सी भी गलती द स्टूडेंट ऑफ लॉ की नजरों से अनदेखी नहीं रहेगी. द स्पेक्टेटर क्लब का नेक्स्ट मेंबर सर एंड्रू फ्रीपॉट है दोस्तों. ही इज अ मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन. एंड्रू फ्रीपॉट खूब मेहनती, तेज दिमाग वाला, बहुत अनुभवी व्यक्ति है दोस्तों. आज वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना ज्यादा अमीर व्यक्ति बना है, और उसका मानना है कि अगर इसी मेथड को इंग्लैंड भी अपना ले तो वो भी दूसरे देशों से ज्यादा अमीर बन सकता है. एंड्रू फ्रीपॉट अपनी बातचीत में बहुत सी मैगजीम्स यानी कि कहावतों का प्रयोग करता है दोस्तों, और उनमें से उसकी सबसे फेवरेट कहावत है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट. अगर एक पैसा बचाओगे तो दूसरा पैसा खुद ही पालोगे. एंड्रू फ्रीपॉट एक अनअफेक्टेड एलोक्वेंस रखते हैं, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और अपनी इस अच्छी बातचीत के माध्यम से ही उन्होंने पूरी दुनिया के मर्चेंट्स और बिजनेसमैन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते कायम किए हुए हैं दोस्तों. नेक्स्ट टू सर एंड्रू इन द क्लब रूम इज कैप्टन सेंट्री, जो कि आर्मी में कैप्टन रहे हैं दोस्तों. हालांकि वो स्वभाव से थोड़े शाय हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्मी की सर्विस के दौरान साहस दिखाते हुए बहुत से एडवेंचर्स किए हैं, और उन एडवेंचर्स का जिक्र वो आज भी खुशी खुशी अपने साथियों के साथ किया करते हैं. और फिर सर रोजर का नेक्स्ट एयर बनने के बाद उन्होंने आर्मी की इस जॉब को छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा करके उन्हें बहुत ज्यादा दुख भी नहीं हुआ दोस्तों. कैप्टन सेंट्री का मानना है कि आर्मी में वो ही लोग ज्यादा तरक्की करते हैं जो एसर्टिव हो और पुशिंग हो, अर्थात कॉन्फिडेंस शो करने वाले हो और दूसरों को पछाड़कर आगे निकलने वाले. लेकिन कैप्टन सेंट्री में तो ये दोनों ही गुण नहीं है दोस्तों. उनका शाय नेचर आर्मी के प्रोफेशन को सूट नहीं करता था दोस्तों, इसीलिए तो आर्मी की जॉब छोड़ने और सर रोजर के नेक्स्ट ईयर बनने के लिए वो इतनी जल्दी तैयार भी हो गए दोस्तों. द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब इज गैलेंट विल हनीकॉम, जो कि हमेशा अपने आप को खूब सजा धजा कर रखते हैं दोस्तों. उम्र के आधार पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन बढ़ती हुई उम्र का असर ना तो उनके माइंड पर पड़ा है और ना ही उनकी बॉडी पर. वह कद में लंबे हैं और अपनी पर्सनैलिटी को चार्मिंग बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास भी करते हैं. उनके हाव भाव और पर्सनैलिटी से लगता है
कि उनकी ब्रीडिंग किसी अच्छे परिवार में हुई है, इसीलिए तो लोग उन्हें वेल ब्रेड मैन कहकर बुलाते हैं। और बातचीत करने में भी उनका कोई जवाब नहीं है दोस्तों, और उस प्रकार की बातों को करने में तो वो माहिर हैं जिसका प्रयोग करके आदमी लोग औरतों का मनोरंजन करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी भर विल हनीकॉम्ब वेल ड्रेस्ड बने रहे हैं और आपको समाज में वर्तमान में चल रहे फैशन की हिस्ट्री भी भली भांति बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि फ्रेंच किंग की वो कौन सी वाइफ या डॉटर थी जिसने वर्तमान में चल रहे कर्ली हेयर का फैशन शुरू किया था, और वो कौन थी जिसने सबसे पहले हुड्स डालना स्टार्ट किया था, और वो कौन थी जिसने इन विशेष प्रकार के पेटीकोट को फैशन में लाने का काम किया था। वो आपको ये भी बता सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के फैशंस किस ईयर में स्टार्ट हुए हैं। संक्षेप में बोलें तो विल हनीकॉम्ब की सारी बातचीत और उनका सारा ज्ञान फीमेल वर्ल्ड तक ही सीमित है, वो औरतों की दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं दोस्तों। दूसरे हिस्ट्री से परिचित लोग आपको बताएंगे कि इस समय पर कौन कौन मिनिस्टर रहा था, लेकिन विल हनीकॉम्ब आपको बताएंगे कि हिस्ट्री के किस अकेजन पर ड्यूक ऑफ मनमाउथ ने डांस किया था, और डांस उन्होंने किस औरत के साथ किया था, और वो कौन सी औरत थी जिससे वो प्रेम में पड़े थे, और किस औरत के साथ वो पार्क में गए थे। वर्तमान समय की सुंदर स्त्रियां उनके इस ज्ञान की कद्र भी करती हैं दोस्तों, और उन पर अपनी काइंड ग्लैंस डालती हैं, अर्थात विल हनीकॉम्ब को ब्यूटीफुल लेडीज और सेलिब्रेटेड ब्यूटीज द्वारा प्रेम पूर्वक देखा जाता है। विल हनीकॉम्ब के बाद रिचर्ड स्टील हमें क्लब के छठे और अंतिम सदस्य के बारे में बताते हैं, जो कि एक क्लर्जीमैन है। क्लर्जीमैन से हमारा इंट्रोडक्शन वो ये कहते हुए करते हैं कि मैं नहीं जानता कि उस व्यक्ति के बारे में आपको बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि वो कभी कभार ही हमारी क्लब की मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो हमें खूब आनंदित करके ही जाते हैं। वो क्लर्जीमैन डिवाइन टॉपिक्स पर पूरी अथॉरिटी से बोलते हैं, लेकिन अपने आप को आउटर वर्ल्ड से बाहर ही रखते हैं दोस्तों। वो गुड ब्रीडिंग वाले एक फिलोसॉफिक मैन हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और पुअर हेल्थ होने के बावजूद भी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। फिजिकल वीकनेस की वजह से वो क्लर्जीमैन वाले सारे काम नहीं कर पाते हैं और चर्च में रिलीजियस काउंसलर का काम करते हैं। स्पेक्टेटर क्लब के 6 मेंबर्स के वर्णन के साथ ही ये एसे समाप्त भी हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद।